Hello and welcome to the Asis Math guys. So today I am very happy to see you that ठीक है in this class. तो मैं आप लोगों के लिए जो हूँ यहाँ पे सॉरी बोलना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि पिछले वाले जो ये वाला मैंने जो सेशन लिया था गाइस, उसमें क्या था कि उसमें वॉइस नहीं आ रहा था, जिसके कारण मैंने फिर से सोचा कि ये वीडियो आपके लिए, ये मतलब इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, राइट. तो यहाँ पे इसके बारे में मैंने पूरा सेशन लिया था, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने अच्छे से सर्च मतलब देख नहीं पाया कि वहां पे उसमें वॉइस आ रहा है या नहीं. तो चलिए उसी को सेशन को फिर से मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए. जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, कर्नाटका एंटी सुपरस्टिशन लॉ. तो ये जो है कर्नाटका के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस, कि कर्नाटका यहाँ पे एंटी और जो आपका सुपरस्टिशन लॉ है उसमें क्या बोला गया है. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो वेलकम टू आशीष मैथ गाइस, एंड दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल टाइप ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन गाइस. लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल यूपीएससी, सीडीएस, कैट, एसएससी, बैंक, रेलवे, एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. आप मेरे को अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे भी जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं गाइस, राइट. और अगर आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर की क्लासेस नहीं मिल रही है, यहाँ पे आपको जीके जीएस मैथ और करेंट अफेयर की क्लासेस आपको मिलेगी. धीरे धीरे अगर आपका सपोर्ट रहा गाइस तो हमारे साथ और भी बहुत सारे फैकल्टीज को मैं इस चैनल पर लेकर आऊंगा. बस मेरे को सपोर्ट चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को हर मीडिया, जितनी भी सोशल मीडिया होती है वो सारे सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम बच्चों को बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है. तो थैंक्स फॉर द सपोर्ट गाइस. तो जितने भी बच्चे और भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस चैनल को अभी तक अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन, राइट. एंड दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी, सीडीएस, कैट एंड एसएससी, सीडीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, एफ कैट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन. एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष से, और आप मेरे को अनअकैडमी प्लस पे भी फॉलो कर सकते हैं गाइज, और इस कोड को अप्लाई करके आप 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं, जो कि कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, SHIVGOVINDकोड मेरा है गाइज, SHIVGOVIND 1001-501. जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे गाइज आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट. चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपको अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक कंट्रोवर्सियल जो है एंटी सुपरस्टिशन लॉ जो है कर्नाटका में अभी जो है फॉर्मली नोटिस किया गया, किसके द्वारा, करंट गवर्नमेंट, जो भी वहां पे कर्नाटका में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये नोटिस किया गया. और ये एक तरीके से ये जो एंटी सुपरस्टिशन लॉ है इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्नाटका प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन इविल प्रैक्टिसेस एंड द ब्लैक मैजिक एक्ट. ये 2017 में ये जो है लागू किया गया था, ठीक है. तो 2017 में ये एक्ट, इसी इस एंटी सुपरस्टिशन लॉ को भी एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नाटका प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन इविल प्रैक्टिसेस एंड द ब्लैक मैजिक एक्ट 2017, राइट. चलिए तो ये इंफॉर्मेशन था. अब अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो ये रूल है, ये जो नियम है वो किस किस चीज को बैन कर रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे गाइस, कि आखिर ये जो नियम है वो किस किस चीज को बैन करता है, ठीक है. तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले जो जो भी खजाना, ये बहुत सारे अगर विलेज लेवल पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो करते हैं लोग, कि बहुत सारी एक्टिविटी जो इनह्यूमन, जो अमानवता को सिद्ध करता है, उस चीज का एक्टिविटी जो होता है गाइस, जैसे कि आप इविल प्रैक्टिसेस का आप एग्जांपल ले लें या फिर ब्लैक मैजिक का एग्जांपल ले लें. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं. जैसे अगर कोई भी टाइप का खजाना खोजना है तो वहां पे क्या किया जाता है कि एक तरीके से वहां पे लोग के पास जाते हैं जो उससे संबंधित होते हैं, उससे रिलेटेड जो लोग होते हैं उनसे ये पता कर किया जाता है कि मेरा ये सामान गुम हो गया है और उसका सर्च करिए. तो उस तरीके से वहां पे जो है लोग जो है वो किस चीज पे बिलीव करते हैं, ब्लैक मैजिक पे, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो रूल है उसको बैन कर रहा है, ये जो एक्ट है वो, ये जो लॉ है
इस चीज को बैन करता है। दूसरा, जो भी तांत्रिक जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एक्टिविटी को भी ये बैन करता है, ठीक है, राइट। तांत्रिक एक्टिविटी जो होती है उसको भी बैन करता है गाइस, राइट, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये तांत्रिक एक्टिविटी जैसे कि फिजिकल एंड जो सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं, जो भी इस टाइप के होते हैं फिजिकल एंड सेक्सुअल, तो वो दोनों को ये क्या करता है, बैन करता है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है जो भी विकृति होती है जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक और चीज पे यहाँ पे बात किया जाता है, जैसे पैराडाइजिंग ऑफ द एनी वन नेक्ड। जैसे बोला जाता है कि अगर आप नेक्ड होकर आते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है भगवान से मिल जाएंगे आप। तो उस कंडीशन में जो है वहां पे ये सारी एक्टिविटी को ये लॉ क्या करता है, बैन करता है। तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि ऑस्ट्रिसाइजिंग एनी वन इन द नेम ऑफ रिचुअल एंड एंड यू कैन से दैट, ठीक है, ऑस्ट्रिसाइजिंग एनी वन इन द नेम ऑफ रिचुअल एंड इनकरेजिंग द इनह्यूमन एक्ट। तो जो भी इनह्यूमन एक्ट होता है, ऑस्ट्रिसाइजिंग मतलब होता है समाज से किसी भी पर्सन को निकालना, राइट, जैसे समाज निकाला करना। तो वहां पे उस तरीके से अगर इस तरीके से धर्म के आधार पर या इनह्यूमन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको इनकरेज करता है या फिर किसी भी व्यक्ति को उसके रिचुअल के अकॉर्डिंग उसके रिचुअल के नेम पे अगर बहुत सारे लोगों को क्या बोला जाता है, जैसे गांव में अगर किसी का डेथ हो गया और कोई बोला था अगर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण, तो वहां पे ऐसा बोला जाता है कि जो है डायन या फिर जो भी वहां पे जो इस टाइप की एक्टिविटीज होती है, तो यहाँ पे जो है ऑस्ट्रिसाइजिंग मतलब किसी को भी इस तरीके से समाज निकालना जो है उसको बंद किया जाएगा और इनकरेज किया जाएगा जो इनह्यूमन एक्टिविटी को, तो उसको भी ये बैन करता है। ये जो लॉक है लॉ है वो इसको बैन करने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो जो भी इस टाइप के जो प्रोसेशंस होते हैं, जो इस टाइप के एक्स्ट्रोसिज्म मतलब झाड़फूंक हो गए, तो ये झाड़फूंक पे जो भी एक्स्ट्रोसिज्म मतलब होता है झाड़फूंक, राइट। तो इस तरीके से आप इसको समझ लेंगे गाइस कि एक्स्ट्रोसिज्म जो है यहाँ पे दिया हुआ इसका मतलब क्या होता है गाइस, झाड़ फूक। तो ये जो झाड़ फूक पे जो है इस पे भी आपका यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, राइट, मतलब झाड़ फूक पे भी जो लोग हैं तो उसको भी ये बैन करता है। दूसरा जो है एक तरीके से जो है असॉल्टिंग पीपल, जो भी यहाँ पे इस झाड़ फूक के अंदर जो भी लोगों को असॉल्ट होता है, जो भी नुकसान होता है, तो उसको भी यहाँ पे बैन किया जा रहा है। स्प्रेडिंग द मिस इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग द पैनिक इन द ग्रैब ऑफ द गॉस्ट एंड द ब्लैक मैजिक। तो इस तरीके से जो भी मिस इंफॉर्मेशन फैलाया जाता है तो उसको भी ये लॉ बैन करता है। जैसे कि कोई भी लोगों को बोलता है कि ये भूत के चपेट में है या फिर गॉस्ट के चपेट में है या फिर ब्लैक मैजिक, तो इस चीज को ये बैन करता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि ये एक तरीके से हीलिंग पावर को भी जो क्लेम करता है, हीलिंग पावर मतलब उपचार करने की शक्ति। अगर कोई भी बोला कि इस तरीके से आप कोई भी करो तो मैं जो हूँ एक तरीके से ऐसे उपचार करूंगा बिना मेडिकल फैसिलिटी का कि वो ठीक हो जाएगा, तो इस कंडीशन में भी इसको भी यहाँ पे बैन किया जाता है। एंड सेल्फ मल्टीलेशंस को भी जो भी प्रैक्टिसेज होते हैं जो फैलाया जाता है विकृति इस टाइप की, तो उस चीज को भी यहाँ पे बैन किया जाता है। और अगर हम लोग बोले जैसे कोवर्सिंग पीपल टू द परफॉर्म द फायर वॉकिंग, जैसे यू कैन से डैट कोअर्सिंग मतलब आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कोई लोगों को जबरदस्ती, ठीक है, अगर उसका मन भी नहीं है तो भी आप इस तरीके से आप उसको क्या कर रहे हैं कि एक तरीके से उसको आग पे चलने के लिए आप मोटिवेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हुआ है गाइस कि आप वहां पे बोल सकते हैं कि ये जो है एक तरीके से इस टाइप का जो वर्क है वो भी आपका यहाँ पे ये रूल जो है वो बैन करता है, ठीक है, राइट। तो ये कंप्लीट था कि आखिर ये जो कर्नाटका एंटी सुपरस्टिशन लॉ है वो किस किस चीज को बैन करता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो इसका फॉर्म है सच है, जैसे एक तरीके से बहुत सारे रिलीजन्स के रूप में, जैसे धर्म के रूप में इस टाइप का काम किया जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो एक तरीके से जो भी धर्म्स जो भी पूजा या फिर वर्शिप जो होता है, जैसे कि आप लिख सकते हैं परिक्रमा जो होता है, तो ये सब रिलीजियस प्लेस पे जो वर्क होता है तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं, डोंट उस चीज को ये बैन नहीं करता है। हरि कीर्तन कीर्तन कथा, दूसरा हो गया आपका प्रवचन हो गया, भजन हो गया, तो ये सब जो है एक तरीके से ट्रेडिशन है जिससे हम लोग जो है पूजा
भगवान के बारे में या फिर जो भी रिलीजियस चीज है जो हमारे एंशिएंट में हुए हैं तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद जो है कोई भी ऐसा मिरेकल्स के बारे में आप उसको बता सकते हैं, चमत्कार के बारे में बता सकते हैं जो रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं वो इन्फॉर्म बता सकते हैं, लेकिन उसके कारण कोई भी फिजिकल इंजरी नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेयर जैसे उपासना हो गया, रिलीजियस रिचुअल एट होम जैसे कि हम लोग जो बहुत सारा जो फास्टिंग करते हैं वो हो गया, तो ये इस तरीके से जो भी चीज है उसको ये बैन नहीं करता है, लेकिन उस कोई भी ऐसा चीज जो फिजिकल इंजरी किसी भी व्यक्ति को हो सकता है तो उस चीज को ये रूल बैन करता है गाइस। तो यहाँ पे जैसे अगर रिलीजियस सेलिब्रेशन के बारे में बात करेंगे तो रिलीजियस सेलिब्रेशन में आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं जैसे प्रेयर हो गया, प्रोसेशन हो गया या फिर अदर एक्ट रिलेटिंग टू द रिचुअल्स। तो इस तरीके से दूसरा हो गया कि पियर्सिंग ऑफ ईयर्स एंड नोज ऑफ द चिल्ड्रन इन अकॉर्डेंस एंड रिचुअल परफॉर्मेंस ऑफ द केस लोचन बाय द जेंट्स। तो इस तरीके से ये सारी एक्टिविटी भी बैन नहीं है गाइस, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो आखिर ये लॉ का जरूरत क्या था, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी प्रैक्टिसेस इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस होते हैं तो उस चीज में इसका जो इस चीज को वरी मतलब इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस लॉ का बहुत ही जरूरी था गाइस, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत ऐसा केस है जिसमें बहुत सारे लोगों को ब्रूटली जो है वहां पे इंजर्ड कर दिया गया या फिर मार दिया गया इस नाम पे, क्यों, या फिर उनकी फैमिलीज को मेयरली जो उस चीज में सस्पिशियस थे, ठीक है, जैसे ऐसा बोला गया कि आप डायन हो या फिर जो भी हो, ठीक है, इस तरीके की जो भी बैड पावर उसमें अवेलेबल है जिसके कारण मेरे घर में जो भी मिस हैपनिंग हो गया, तो इस टाइप से महाराष्ट्र में बहुत सारा केसेस आया था। अब यहाँ पे और ये लॉ जो है जैसे एक्सप्लोइट जैसे रिलीजन के नाम पे किसी को धर्म के नाम पे जब अगर हम लोग वहां पे एक्सप्लोइट करते हैं उसको बर्बाद करते हैं तो वहां पे उसको क्या करना है, इसके लिए ये लॉ बहुत ही नेसेसरी था। ये था कंप्लीट लेक्चर गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस और वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकते हैं प्लीज शेयर इट टू एवरीवन गाइस, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। आप मेरे को अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे कोर्स के साथ आप वहां पे भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और मेरे इस कोड को अप्लाई करके आप 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं गाइस। ये मेरा कोड है SHIVGOVIND1001-501। जैसे ही इस कोड को यहाँ पे लगाकर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो अमाउंट होगा विल बी रिड्यूस बाय 10%, जो कि आपका 10% जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और पढ़ाई को और अच्छे तरीके से करते रहिए। तो चलिए यही था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।